नाम फातिमा बानू है, मैं 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ। गोल बोला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ पर हमें टीचर ही नहीं है पढ़ाने के लिए, सिर्फ 5 टीचर है और कुछ मास्टर और हैं जो यहाँ से तनख्वाह ले रहे हैं मगर ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं। 2018 में मिडिल से हाई स्कूल अपग्रेड हुआ है और कुछ मास्टर सेक्शन हुए हैं और हमने यहाँ पर कोई नहीं देखा है, सिर्फ ये पाँच मास्टर देख रहे हैं, सिर्फ 5 टीचर देख रहे हैं। हमें पढ़ने का बहुत शौक है लेकिन टीचरों की बहुत कमी है, इसलिए हम गुजारिश करते हैं डीसी साहब से हम लोगों को टीचर भेजे। दूर दराज इलाकस मे रोज ये वारा स्कूल पे मास्टर हिंद कमी और तम बाद क्लास 10 मास्टर चोर और तम सारे क्लास हेकन वात कह अगर शाम वर् मोल मौज बचस किताब खोल तमिस अलिप बे सोद तक मास्टर हिंद वारा कमी अस गन मास्टर अस गन ये टीचर अस गे आन शुन पढ़ना वोल और हर अकिस जाए वन ये मास्टर ते इंतजाम तो लेकिन खाली ये पहाड़ी इलाक योर वनान रोड छ बाकी चीज छसव तेज हर लाइन कमजोर सान इस पब्लिक तमाम ये निंद्रे अंदर असार गम आज लोग अस थोड़ा थो ये कुस तान वोल अस गए स्कूल अंदर और अस लोग तत पता कि कहताम ये वन और अस तूज और शुन सान यहाँ हालात यहाँ मुश्किल है लेकिन आज लोग अस पता कि सान बच क्या कर स्कूल अंदर तुम क्या वन ये तम टीचर पूरे टीचर आूर और अत पढ़ सान शुड़ ये टीचर तुम पू तम क्या लग त 5 मास्टर या 4 मास्टर तम बिचार कम ग तम सारे दहन ये क्लास हेकन वात कहें बाकी वसलाम। सबसे पहले हम मीडिया के बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं जो यहाँ पसमांदा इलाके में पहुँचे और हमारी बात को सुने। हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो स्कूल की है, जो कि यहाँ 2018 में मिडिल स्कूल जो है वो हाई स्कूल में अपग्रेड हुआ लेकिन मास्टर की बहुत बड़ी कमी है। यहाँ पर हमने बहुत साल से जब से ये मैं भी पढ़ रहा था यहाँ तब से हमने 5 टीचरों को पाया और वहीं 5 टीचर अब भी मौजूद हैं जो कि यहाँ कहीं मास्टर ग्रेड जो है यहाँ से तनख्वाह दे रहे हैं लेकिन ड्यूटी कहीं और दे रहे हैं। वो मास्टरों की गलती नहीं है, वो गवर्नमेंट की गलती है जो गवर्नमेंट ने यहाँ खाली तनख्वाह के लिए यहाँ पर भेजा है और ड्यूटी कहीं और लगाई है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट जनाबी वाला से की जाती है, जिला इंतजामिया से एजुकेशन के CEO साहब से की जाती है कि हमारी मांग को पूरा किया जाए। जी यहाँ पर तो सेंक्शन स्टाफ काफ़ी है लेकिन अभी जो इस वक्त प्रेजेंट स्टाफ है वो 5 ही हैं जिसमें एक नॉन टीचिंग आता है, तो स्टाफ की वजह से हमें यहाँ काफ़ी मुश्किल भी हो रही है। एक एक टीचर को तकरीबन 10-10 सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाने पड़ रहे हैं जो कि बहुत ही मुश्किल काम है, उसको एडजस्ट करना, हमें टाइम टेबल के हिसाब से क्लेम करना। ऊपर से आपने देखा यहाँ पर कि भाई बिल्डिंग की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे पास एकोमोडेशन नहीं है, कमरे नहीं हैं, ऑफिस नहीं है, हमारे पास सब्जेक्ट टीचर भी नहीं है, तो जिससे हमें काफ़ी मुश्किल जो है वो उसका सामना करना पड़ रहा है। सर सुनने में आ रहा है कि यहाँ लोगों का इल्ज़ाम है कि कुछ टीचर्स यहाँ पे मतलब सैलरी यहाँ से ले रहे हैं और ड्यूटी किसी और जगह दे रहे हैं, क्या ये बात सही है? ये तो सही है, हमारे पास 2018 से जो है वो पोस्टें मास्टर ग्रेड की 5 पोस्टें जो है वो फिलअप ही हैं, तो यहाँ नवंबर शायद 2021 में फिर हमें एक आर्डर पड़ा जिसमें हमें 2002 टीचर जो हैं वो यहाँ पर फिर डाले गए हैं, तो मतलब वो तो उनका पीछे से गवर्नमेंट से ही आर्डर है कि वो सैलरी पर्पज़ के लिए ही यहाँ पर हैं, उनकी ड्यूटी जो है वो कहाँ है तो कहाँ नहीं तो क्या कर रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट को ही अपने हिसाब से सोचना चाहिए था कि भाई जहाँ से सैलरी वहाँ ज़रूरत भी है, हमारी स्ट्रेंथ लगभग जोन में सबसे ज़्यादा है। आपने सर इस बारे में कभी आपने ZDO आपने CEO साहब से इस बारे में बात नहीं की? सर बात क्या, हम तो हर मतलब महीने जो है हमारा एनरोलमेंट जाता है, हमने बात भी की, अब CEO साहब जो है आजकल ही आए हुए हैं, अभी उनको कुछ ही टाइम हुआ अभी ज्वाइन किए हुए,
उनको तो इस बात का अभी नॉलेज भी नहीं है कि भाई किस जगह पर हमें कैसी मुश्किल हैं। इसलिए आज हम आपके ज़रिए हम तब भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये जो सैलरी पर्पज़ की है टीचर हैं, अगर इनको आप वापस हमें स्कूल में मिल जाते थे तो हमें काफ़ी जो है यहाँ पर आसानी हो जाती थी। तो क्योंकि यहाँ पर और बिल्डिंग पर हमें खास और ख़ास तवज्जो देनी थी कि यहाँ पर कोई अगर हायर अथॉरिटीज़ आ जाती थी तो शायद ये बिल्डिंग जो है यहाँ पर दो तीन कमरे जो है वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, जिसमें थोड़ा सा वो खतरा भी है बच्चों को। तो उसके बाद तीन ब्लॉक पर हमारी बिल्डिंग है यहाँ पर, जहाँ पर हमें जो है एक एक टीचर दो दो टीचर ज़रूरी लगते हैं बच्चों को, तो हम इनको पढ़ाएंगे कि इनकी निगरानी करेंगे। तो उसके लिए हमें स्टाफ की बहुत ज़रूरत, टीचर पोस्ट है हमारे पास लगभग दो तीन टीचर पोस्ट खाली हैं उसकी भी तरफ, वो भी अभी तक वैकेंट ही है हमारे पास। हमारे पास जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है यहाँ पर, तो उसके लिए भी हमें एक टीचर डिब्यूट किया हुआ है, वो एज ए डीलिंग असिस्टेंट पिछले कुछ दिनों से काम कर रहा है, तो वहाँ पर भी हमें उसके भी सब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं हमने बाकी टीचरों के साथ। तो उनको स्ट्रेस देनी चाहिए इस इलाकों की, जहाँ मैक्सिमम बच्चे जो हैं यहाँ पर शायद मेरे नॉलेज से दो चार बच्चे होंगे जो एबीएल में आते हैं, बाकी सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर वो बीबीएल में ही आते हैं। उनको यहाँ पर ऐसे इलाकों को ज़्यादा ज़रूरत है तवज्जो देने की। तो सेंक्शन भी है पोस्ट, पता नहीं कोई टीचर हमने सुना तो अप्लाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पर ऐसी जगहों पर, थोड़ा प्लम एरिया है, फेयर प्लम एरिया है। यदि फैसलिटी देखी जाए तो उतनी भी है भी तो नहीं भी है, लेकिन फिर भी हम तो काम कर रहे हैं, हमें तो पिछले 15-17 साल हो गए यहाँ पर, हमें तो कोई मुश्किल नहीं आई, यहाँ के लोगों ने अच्छा कॉपरेट किया, तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। भी हमें फैसलिटी नहीं है, ग्राउंड नहीं है यहाँ पर, अच्छा यहाँ बाथरूम की भी कमी है। ये भी हमने कई बार लिखा गवर्नमेंट यहाँ से, जो ये डाटा जब भी मांगते हैं तो उस वक्त हम देते हैं डाटा कि भाई हमारे पास क्या क्या यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन पीछे तो लॉकडाउन की वजह से शायद कुछ मिल भी नहीं पाया। तो आप तो हो सकता है, अब तो लॉकडाउन भी खुल चुका है, शायद अगर थोड़ा सा इसमें गवर्नमेंट जो है स्पेशली थोड़ा सा इंटरेस्ट ले ले तो कई मुश्किल में।